तो देखिए ना, इतनी सब मुसीबतों के बाद भी ये काम मुझे ही मिला, इसलिए अगर ये दूसरा एडवांस पेमेंट मुझे इस घर की दूसरी गृह लक्ष्मी दे सकती है तो अंकल जी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। ये मारा सिख सर। मैम आप ये 1,00,000 एडवांस पेमेंट के साथ 1 रुपए और ऐड कर सकती हैं, शगुन होता है। सुमन इंदौरी सीरियल में आए दिन हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहते हैं और इस बार भी कहानी में कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब तक हमने देखा था कि देविका ने रोटियों में सिक्का चिपका दिया था ताकि वो जैसे ही ओवन में जाए तो फट जाए, और इसी के साथ कहानी में हमें देखने को मिलता है कि ये सब कुछ देविका ने सुमन के लिए रचा हुआ था। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब देविका की बेटी यानी कि रीवा जो है वो किचन में पहुंच जाती है। यहाँ पर नौकर बताते हैं हमारी देविका को एडवांस पेमेंट के लिए थैंक यू मैडम। सुमन जी आपका खाना काफी तीखा था, मिर्ची देर से लगी, क्यों भाभी? कोई बात नहीं नीता जी, अगली बार आपके लिए मीठा अलग से बनाकर लेकर आऊंगी। और कि रीवा जो है आखिरी बार उसे किचन में जाते हुए देखा गया था, और अब यहाँ पर देविका को याद आता है कि भाई उसने तो रोटियों में सिक्का चिपकाया था और ओवन फट सकता है, और वो घबरा कर सीधा किचन की तरफ भागती है अपनी बेटी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर सुमन मैडम की नजरें अचानक से ओवन पर जाती है, उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और समय का फायदा उठाते हुए, मौके का फायदा उठाते हुए इस बार सुमन ने सही मोमेंट पर एक साहसी कदम उठाया, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुमन जो है वो तुरंत ही कुछ कहा आपने? मैंने कहा थैंक यू। थैंक यू। सुमन जी आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने मुझे थैंक यू बोला, एक नेता को इशी हो गए? मैंने आपको थैंक यू बोला उसे, जिसने पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मिला पहला कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मेरी बहुत मदद की, तो इसलिए थैंक यू। रीवा को उठाकर खुद कबर्ड में छुप जाती है, और इस बार भाई फाइनली हमारी सुमन ने रीवा की और खुद की जान बचा ली। यहाँ पर सभी घर वाले ओवन को फटता हुआ देखकर काफी घबरा जाते हैं और सबके मन में रीवा को लेकर एक बेहद बड़ा डर होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमन के एक साहसी कदम की वजह से इस बार सुमन और रीवा दोनों ही बच गए हैं, और इस बार भाई सारा का सारा ब्लेम देविका मैडम जो है हर बार की तरह इस बार भी वो हमारी सुमन पर डालती है। लेकिन इस बार देविका की बेटी यानी कि रीवा ने सुमन का बहुत बड़ा साथ दिया है, उसकी साइड लिया, और उसने बताया है कि अगर आज सुमन नहीं होती तो मेरी जान चली जाती, सुमन दीदी ने ही मुझे उठाकर कबर्ड में बंद किया और इस वजह से मैं बच गई, वरना मुझे फायर खा जाती। और ये सुनने के बाद सभी घर वाले कहीं ना कहीं खुश और इमोशनल दोनों हो जाते हैं। लेकिन अभी भी देविका जो है वो चाहती है कि सारा ब्लेम सुमन पर जाए, लेकिन कहानी में एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि सुमन ने तो ओवन यूज ही नहीं किया। जी हाँ, ओवन किसी और ने नहीं बल्कि इंदौर केटरर्स वालों ने यूज किया था, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने हमारी सुमन रोटियां चुराई, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लेम उन पर चला गया। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार कृतिका और देविका की बातें हमारी सुमन सुन लेगी, और उस सिक्के को सुमन पहचान जाती है, और इस वजह से इस बार देविका की सच्चाई सुमन के सामने आ चुकी है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार सुमन देविका की सच्चाई सबके सामने उजागर करती है या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा।